पीएनबी गिल्स आरबीआई से प्राइमरी डीलरशिप का लाइसेंस पाने वाली संस्थाओं में से सबसे पहली संस्थाओं में से एक है। देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स पीएनबी की सब्सिडरी कंपनी है और सरकार के जो बोरिंग प्रोग्राम है उसमें सहयोग करने का कंपनी करती है कारोबार, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, स्टेट लोन्स, इनमें ट्रेडिंग का कंपनी का कारोबार है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं पीएनबी गिल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास गोयल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। गोयल साहब, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने बीकॉम की डिग्री हासिल की है ऑनर्स के साथ, फिशर कॉलेज ऑफ बिजनेस ओयो से आपने एमबीए की डिग्री हासिल की है। 27 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव गोयल साहब का है इस फील्ड का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ, आज से जेपी मॉर्गन के बॉन्ड इंडेक्स में हमारे बॉन्ड्स भी शामिल हुए हैं। क्या कुछ बदलता है भारत के लिए, हमारे जो इमर्जिंग मार्केट्स में जो उनका इंडेक्स है उसमें हमारे बॉन्ड भी अब शामिल होंगे, इससे हमारे यहाँ के बॉन्ड मार्केट पर क्या फर्क पड़ता है, जरा समझाएं सर। अच्छा जी, आपका बहुत धन्यवाद आपके प्रोग्राम पे मुझे बुलाने का। अभी तक इस देश में जो इन्वेस्टमेंट हो रही थी, फॉरेन सेविंग्स जो आ रही थी, वो आ रही थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से एंड फॉरेन इक्विटी इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट एफपीआई, मोस्टली इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट। आज तक बॉन्ड मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट बहुत लिमिटेड थी, 2-2.5% ऑफ द टोटल मार्केट। तो हमारे देश में वी नीड फॉरेन सेविंग्स टू कम इन टू फाइनेंस ग्रोथ। हमारी अपनी जो सेविंग्स हैं आर नॉट सफिशिएंट फॉर द एम्बिशियस ग्रोथ टारगेट विच वी हैव, तो वी नीड फॉरेन सेविंग्स। तो अभी तक फॉरेन सेविंग्स, लाइक आई सेड, वाज कमिंग इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज वेल एज इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्स्ड इनकम में नहीं हो रही थी। इंक्लूजन की वजह से अब पैसिव जो है, जो फंड्स हैं जो इस इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, उनको तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। एज अ रिजल्ट वी हैव अ न्यू सेट ऑफ इन्वेस्टर्स कमिंग इन टू द मार्केट। इसको देखा देखी अदर एक्टिव प्लेयर्स हु हैव दिस डिसीजन मे ऑल्सो फॉलो एंड दे हैव एक्चुअली फॉलोड। सो अभी तक $11 बिलियन के करीब लास्ट 3-4 महीने में ऑलरेडी आ चुका है, 30 आना है, बट 30 के अगेंस्ट एक्चुअली इट विल बी मच मोर, बिकॉज 30 तो पैसिव है, जो एक्टिव ऑल्सो विल कम इन विल बी मच मोर। सो पोटेंशियली वी कैन हैव $30+ बिलियन इन द नेक्स्ट 10 मंथ्स। इसके बाद भी जो फॉरेन इंटरेस्ट है इन इंडियन बॉन्ड मार्केट्स विल गो फ्रॉम अबाउट 2.5% टू 4-5%, विच कंपेयर टू कंपेरेबल मार्केट्स जैसे इंडोनेशिया है, मेक्सिको है, इज वेरी लिमिटेड स्टिल। व्हाई, हमें क्यों चाहिए बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट और फॉरेन सेविंग्स कमिंग इन टू बॉन्ड मार्केट्स? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फॉर इंस्टेंस विच सपोर्ट्स आवर ग्रोथ, इसके लिए ये इट कैनॉट बी फाइनेंस्ड ओनली बाय इक्विटी, इट नीड्स डेट ऑल्सो, लेवरेज ऑल्सो, बिकॉज इक्विटी कैपिटल मार्केट डिमांड्स इमीडिएट रिटर्न, वेर एज डेट कैपिटल मार्केट और डेट इन्वेस्टमेंट इज मोर पेशेंट, देयरफॉर द रिटर्न्स आर मोर लिमिटेड। नाउ इस इंक्लूजन की वजह से एक तो दिस इन्वेस्टमेंट, दिस फॉरेन सेविंग विल फ्लो इन टू फाइनेंसिंग द राइट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज वन। सेकेंड, ओवरऑल जब डिमांड आती है तो रेट्स विल ऑब्वियसली कम डाउन। आपको पता ही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर द बेस रेट, सो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर फाइनेंसिंग ग्रोथ, जनरल ग्रोथ, विच बेसिकली मीन्स कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड मे बी लोन मार्केट्स एट द एंड ऑफ इट ऑल, विच इज ऑल्सो लिंक्ड टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज वेल एज द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, रेट्स ओवरऑल इन द इकोनॉमी टू फाइनेंस ग्रोथ कैन कम डाउन, बट दैट इज इन द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। तो इसके ये फायदे हैं, दो फायदे हैं। ठीक बात है। तो जो हमारा अनुमान था कि 20 बिलियन से 22 बिलियन डॉलर के आसपास का पैसा हमारे यहाँ के बॉन्ड्स में आएगा विदेशों से, लोग कह भी रहे कि शायद 10 बिलियन डॉलर के आसपास आ गया, 10-12 बिलियन डॉलर और आना बाकी है। आपका क्या अनुमान है, कितना आ सकता है और कितना आ चुका है? देखिए जी, जैसे मैंने पहले बोला, पैसिव 25-30 तो पैसिव है जो ट्रैक करता है इंडेक्स को, इसके साथ साथ एक्टिव प्लेयर्स विल ऑल्सो कमिंग। हमारे अभी एक तो इंडेक्स की इंक्लूजन की बात है, दूसरी बात यह है कि हमारे मैक्रोज आर वेरी गुड, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आर वेरी गुड, करेंसी स्टेबल, फिस्कल डेफिसिट एक्सेट्रा और फिस्कल पॉलिसी इज वेरी कंजर्वेटिव, सो दिस इज ऑल, दीज आर वेरी अट्रैक्टिव टू बॉन्ड इन्वेस्टर्स। सो पैसे तो आएंगे ही आएंगे, विच इज एक्चुअली मे बी 25-30 बिलियन के बीच में,
जो एक्टिव और आएंगे अब देखा देखी पैसिव को देखा देखी, सो इट कैन बी मच मोर, मे बी आई एक्सपेक्ट बिटवीन 30 and 50 billion dollars ओवर द नेक्स्ट 6 months टू 10 months. अच्छा, दूसरा एक और बात जो कही जा रही थी ब्लूमबर्ग के इमर्जिंग मार्केट लोकल करेंसी इंडाइसेज में भी हमारा हमारे बॉन्ड शामिल होंगे शायद जनवरी 2025 से, और उसके बाद में फुटसी के इंडेक्स में भी शामिल होने की बात है. कब तक होने की उम्मीद की जाए, इससे इन दोनों के और आने से क्या फर्क पड़ेगा सर? देखिए ब्लूमबर्ग बहुत छोटी सी है तो उसमें तो 2.5 billion ही है जो इफेक्टिवली हमारे पास आएंगे, और फुटसी इज स्लाइटली बिगर. तो फुटसी का अभी तक तो गाइडेंस नहीं है, बट मेरे हिसाब से ब्लूमबर्ग के बाद विद इन 2 to 3 quarters फुटसी भी शुड इंक्लूड अस ऑल्सो. दैट इज माई फीलिंग, बट अगेन उनसे कोई गाइडेंस नहीं है. वी आर ऑन द वॉच लिस्ट एंड दैट कैन कंटिन्यू, वो कंटिन्यू हो सकता है, बट मेरे हिसाब से एक बारी ब्लूमबर्ग आ जाएगा. एंड अगर आर परफॉर्मेंस, वी हैव बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल इन द पास्ट कंपेयर टू द इंडेक्स, सो इफ द परफॉर्मेंस इज देयर एंड गिवन कि अब चाइना इज आउट फॉर द टाइम बीइंग, रशिया इज आउट बिकॉज ऑफ सैंक्शंस एंड मोस्ट फंड्स नीड डाइवर्सिफिकेशन, दैट इज व्हाई इंडिया इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन. सो फुटसी पे भी बहुत प्रेशर होगा टू इंक्लूड अस, तो मेरे हिसाब से अगले साल में फुटसी भी हो जाना चाहिए. परफेक्ट. गोयल साहब, आपकी कंपनी देश में डेट मार्केट में कारोबार करने वाली दिग्गज कंपनियों में से एक है, लिस्टेड तो मेरे ख्याल से अकेली ही है. ये बताएं सर कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी कंपनी को इन सारे डेवलपमेंट से क्या फायदा होता है? जी देखिए, डायरेक्टली तो लिमिटेड है क्योंकि वी आर डोमेस्टिक ओन बाय PSU. हमारे पास ये फॉरेन क्लाइंट्स जो है, ये FPI जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बहुत लिमिटेड है. डायरेक्टली तो नहीं है, इनडायरेक्टली हमारे पास आते हैं थ्रू अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स. फायदा ये है कि देखिए, डिस्पाइट वेरी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, हमारे रेट्स हैव एक्चुअली कम डाउन एंड दैट इज फॉर टू रीजंस. वन, बिकॉज ऑफ दिस डिमांड, ये जो इंडेक्स इंक्लूजन की वजह से जो डिमांड आई है, और दूसरा ऑब्वियसली ऑन द सप्लाई साइड ऑल्सो द गवर्नमेंट हैज बीन वेरी कंजर्वेटिव, तो सप्लाई ऑल्सो इज लिमिटेड अलॉन्ग विद दिस एक्स्ट्रा डिमांड. दैट इज वाई डिस्पाइट मॉनेटरी पॉलिसी बीन टाइट, रेट्स हैव स्टार्टेड ट्रेंडिंग डाउन. So, ये तो अगर रेट्स नीचे आते हैं जनरली स्पीकिंग, उससे हमें फायदा होता है, हमारी होल्डिंग्स की जो वैल्यू होती है वो बढ़ती है, तो टू दैट एक्सटेंड इनडायरेक्टली हमें फायदा है. तो इनडायरेक्टली फायदा है, जैसे बॉन्ड मार्केट बड़ा होगा, विस्तार होगा, जाहिर सी बात है, और आपकी दिग्गज कंपनी है ही. गोयल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बड़े दिन समय दिया और हमारे दर्शकों को अच्छे से समझाया कि क्या फायदा भारतीय बॉन्ड मार्केट को होगा. JP Morgan के इंडेक्स में अब भारतीय बॉन्ड आज से शामिल हो चुके हैं. थैंक यू सो मच सर. छोटे से ब्रेक का वक्त.